रुको जरा, सबर करो। हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर गेमिंग वीडियो। तो भाई कैसे हो आप सब? तो गाइस यार, मैं आज आपको कुछ वीडियोस दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं मतलब रिकॉर्ड करते हुए मैं पबजी में मर जाता था, तो गाइस यार मैं वो वीडियो डिलीट कर देता था। एंड आज मैं वही वीडियो सोचा कि भाई वो काम आ सकती है हमारी भी और आपकी भी, उससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस यार वही चीज़ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो गाइज़ यार मैं उसमें बताऊंगा कि कहाँ मैं, जहाँ पे मैं नॉक हुआ वहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, मतलब किस वजह से मैं नॉक हुआ हूँ। एंड यार इसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको भी अच्छी लगे और मुझे भी, ताकि इससे आप कुछ सीख सको और मैं भी। सो गाइज़ यार वे गलतियाँ हैं हमारी जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि भाई गलतियों से ही बंदा सीखता है। तो भाई मैंने इसीलिए वो शॉर्ट्स लगा रहा हूँ मैं वीडियो में। तो गाइज़ यार अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई यार अगर आप एक लाइक करते हो तो यार उससे मैं होता हूँ मोटिवेट, और जब मैं मोटिवेट होता हूँ तो यार मुझे मन करता है कि भाई आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। तो गाइस यार चलिए बिना बकचोदी के टाइम खराब ना करते हुए अपनी गलतियों से कुछ सीख लेते हैं। तो चलिए आइए गेम की ओर। ऊपर ले लो, ऊपर गाड़ी, ऊपर कवर में। भाई दो ही हैं, दोनों दोनों डैमेज देंगे। ठीक है, मुझे मार पहले। खेल दिया। तो गाइस जैसा अभी आप लोगों ने देखा कि भाई मेरा टीममेट कवर में नहीं था, तो गाइस यार उसको किल कर दिया गया है। तो गाइस यार मैं उसको बचा भी नहीं पाया, लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी कि मैं 1 HP पे दोनों को किल कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई मैं कवर में था और मैंने कवर में फुल फ़ायदा उठाया है। गाइस वो लोग मुझे किल कर सकते थे, लेकिन यार वो ओपन में भाग रहे थे तो मैंने किल कर लिया। तो गाइस यार इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। तो गाइस यार इस चीज़ का ध्यान रखते हुए खेला करें। तो गाइस दूसरी जगह दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइस यार कभी भी आप अगर अकेले टीम में अपने बचे हो तो गाइस यार कार से बंदे के पास नहीं जाना है। तो गाइस यार दूर से फाइट लेनी है, क्योंकि भाई आप मर सकते हो, जैसे मैंने अभी इस बंदे को किल किया है। तो भाई लोग जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि भाई मैं नॉक हो गया हूँ, भाई मेरी क्या गलती थी? भाई मेरी गलती ये थी कि भाई मैं अपनी टीम से दूर खेल रहा था। क्योंकि मेरी टीम मुझसे दूर थी और मैं किल के चक्कर में यहाँ आ गया था। भाई यार यही मेरी गलती थी, और यार ऐसी गलती आप दोहराना मत यार। भाई ये चीज़ बहुत बेकार होती है, भाई टीम के साथ खेलो कभी भी खेलना है। तो गाइस चलिए एक और चीज़ दिखा देता हूँ। भाई घर में आ जा, घर में दो बंदे, किलो असलान भाई का। भाई इधर आ जा, दो नंबर जल्दी आ, दो नंबर जल्दी आ। गाइस जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि भाई मैंने सभी किल कर लिए। क्यों? क्योंकि भाई मैंने रिवाइव करने के चक्कर में नहीं लगा, क्योंकि भाई अगर यार लास्ट बंदा सभी को किल कर रहा है तो भाई यार उसको कभी भी रिवाइव मत करो। आपके टीममेट रिवाइव मांग रहे हैं तो भाई पहले उसको किल करो, फिर जाके रिवाइव करो, तभी आप गेम जीत पाओगे। वरना भाई आप रिवाइव करोगे तो भाई वो तुमको भी किल करके चला जाएगा। सो गाइस इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको सबसे पहले फाइट लेनी है, उसके बाद रिवाइव करना है, ठीक है ना गाइस? तो चलिए एक चीज़ और दिखा देते। तो गाइस यार यहाँ पे जो मैं नॉक हुआ हूँ, मेरी गलती ये थी कि भाई मैंने पीछे जाके चेक नहीं किया बंदा है कि नहीं। भाई ये वहाँ पर बंदा था, मुझे पहले भी लगा कि बंदा है, लेकिन यार मैंने फिर भी चेक नहीं किया। तो यार मेरी गलती थी, मैंने सीख लिया। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, एंड यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस यार अगर आपको किसी भी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो यार आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस चीज़ पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। सो गाइस ये नहीं कि भाई एक बंदे ने कमेंट किया तो उसके लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा। भाई एक बंदा कमेंट करेगा मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, और 100 बंदे कमेंट करेंगे उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा।
तो गाइस कमेंट करके बताओ यार किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो आ जाएगा। और गाइस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि भाई टीममेट को शेयर करोगे तो वो भी कुछ सीख पाएंगे इस वीडियो से। और गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी पबजी आईडी डाली हुई है, वहाँ से जाके आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो और गाइस मैं आपके साथ पबजी खेलूंगा और उसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा आपके नाम के साथ। मुझे कुछ दिखाएंगे जरा।